अभी हम आपको उस कमरे का नज़ारा दिखाएंगे। तीसरी फ्लोर पर उनका कमरा था और कमरे का क्या हाल है। जो तस्वीर हमारे पास आई है वो बहुत ही आप देख नहीं सकते, ऐसी तो तस्वीर है। वो कमरा है, डर का माहौल है और भी तमाम। नीचे ये जो सेकंड फ्लोर पर ये जो मकान में लोग रह रहे हैं, हमने उनसे बात करने की कोशिश की, वो लोग मना कर रहे हैं। बच्चे हमारे साथ खुद रहते हैं, कल के बाद ये अगल बगल में भी माहौल बन सकता है। सुरक्षित कैसे रह सकती है जब ये हादसे हो रहे हैं और दुनिया में सुनने न्यूज में बार बार आ रही है बातें, तो हादसे कहाँ होंगे होंगे। एक बुजुर्ग लेडीज रहती थी, वो भी पता नहीं, बोल रही है मैं माँ नहीं हूँ, हमको माँ बना करके लाया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं झलको दिल्ली, मैं शमी रंजन। राजधानी में वारदात की खबरें आए दिन आती रहती है, क्राइम बढ़ता जा रहा है, लोगों की हत्याएं आजकल आम हो गई हैं। हम आपको झलको दिल्ली के माध्यम से हमेशा ऐसी खबरों से रूबरू करवाते हैं। अभी मेरी मौजूदगी जहां पर है, आपको पहले मैं ये पूरी इमारत दिखा देता हूं। पहले ये पूरी इमारत देखिए, इस इमारत के तीसरी मंजिल पर, मतलब जो सबसे ऊपर वाला मंजिल है, वहां पर हत्याकांड सामने आया है। यह इलाका है नंगली विहार एक्सटेंशन, प्लॉट नंबर 19। यही वो इमारत है जहां तीसरी मंजिल पर रानी नामक महिला, जो कि 26 वर्षीय बताई जा रही है, उनके पति का नाम अशोक है। क्या हुआ होगा इनके बीच, किस तरीके का विवाद होगा, क्या झगड़ा हुआ होगा, इस बात की पुष्टि तो झलको दिल्ली नहीं कर रहा, लेकिन जो घटना सामने आई है वो मर्डर की घटना है, हत्या की घटना है। बताया जा रहा है कि कमरे में ही पति अशोक ने रानी जी को गला काटकर, उनका गला काटकर कमरे में छोड़ दिया। फिर उसके बाद मौके पर पुलिस आई, तमाम तहकीकात हुई और भी चीजें चली, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि आखिर हमने इससे पहले भी आपको द्वारका में एक केस, ऐसी खबर बताई थी कि वहां पर भी पति पत्नी के बीच जो विवाद हुआ, वहां पर एक पत्नी ने पति को मारा था और यहाँ पर एक पति ने अपनी पत्नी को मार दिया है। फिलहाल सभी लोग थाने में है और जाँच की तहकीकात की जा रही है। रानी की माँ भी उनके साथ मौजूद है और भी तमाम लोग मौजूद है। अभी आसपास के जो माहौल है, अभी यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि जो लोग हैं, लोगों में थोड़ा सा डर का माहौल पैदा हो गया है। अक्सर हम ऐसी जब घटना सुनते हैं तो लोग डर जाते हैं, लोग भयभीत हो जाते हैं कि अगर हमारे घर के बगल में मर्डर की घटना सामने आए और मर्डर भी इस तरीके से क्रूरता से की जाए, मतलब पति ने गला काट दिया अपनी पत्नी का घर के अंदर ही, इस तरीके की घटना बहुत शर्मनाक है। हम राजधानी में अक्सर ये देखते हैं। फिलहाल इस बात की पुष्टि पूर्ण तरीके से नहीं हो पा रही है कि हत्या के पीछे की वजह क्या है और भी तमाम चीजें। आपके घर के बगल में घटी है, आप लोगों पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है, और आपके भी परिवार हैं, आपके भी बच्चे हैं, कहीं ना कहीं डर का एक माहौल होता होगा क्योंकि एक पति नहीं अपने पत्नी का ही गला काट दे, इस तरीके की घटना सामने आ रही है। जी ये तो हमें भी खैर दर्द है, पड़ोस में रह के भी, हमारे साथ बच्चे हमारे साथ खुद रहते हैं, कल के बाद ये अगल बगल में भी माहौल बन सकता है। और ये हम तो सोचते हैं कि ये बर्दाश्त ना होते हुए इसको आगे सुधार किया जाए, और इसको तो हमें पता भी नहीं कि कब आते हैं, कब जाते हैं, कब आए हैं, और हमारा खुद ही नहीं पता कि हम तो नाइट में ड्यूटी करते हैं जी, अपना दिन में आए सो गए, हमें कोई इसके बारे में नहीं पता है। आपको मालूम है कल इस इमारत में तीसरी मंजिल पर क्या घटना हुई है? नहीं सर, मुझे नहीं पता, मुझे मॉर्निंग में यहाँ पे भीड़ थी तो मुझे थोड़ा सा पता चला इसके बारे में कि ऐसे से, मतलब दूसरा मैं तो बोले कि हस्बैंड ने अपनी वाइफ को मार दिया, एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ को मार दिया और हत्या इस क्रूरता के साथ किया गया है, बताया जा रहा है कि गला काट कर मारा गया। जी सर, इसके बारे में तो मुझे नॉलेज नहीं है। लेकिन एक आम जनता को जब ये खबर मिलती है अपने ही मोहल्ले में, अपने ही इलाके में, तो उसके बाद आम जनता पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं डर का माहौल तो होता भी होगा। डर का माहौल भी होता है। तीसरी मंजिल पर वो रह रहे थे, पहली और दूसरी मंजिल पर भी कोई ना कोई रहते होंगे जी, उनको भी कई सारी चीजों का सामना करना पड़ा होगा, और भी कई सारी चीजें निकल कर सामने आ रही है। ये तो है, मतलब डर का माहौल तो था ही। अब ये घटना मुझे तो पता चला कि मॉर्निंग में 4 बजे की है, ऐसा कंफर्म नहीं पता है, 5:30 बजे के लगभग, 5 बजे के लगभग ये घटना। अच्छा जी, कि जो समय है ये बताया। जी जी, मैं इधर 9:30 बजे निकल रहा था तो भीड़ देखा तो मैं पूछने लगा। लेकिन अगर आपके मोहल्ले में, आपके घर के बगल में ऐसा हो, तब आप क्या स्टेप लेना चाहेंगे, या सरकार को कुछ कहना चाहते हैं, लोगों को ये आवाज देना चाहते हैं, कुछ मैसेज देना चाहते हैं, किस तरीके से अवेयर रहे? जी सर, मेरा कहने मतलब कि मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक पति जो अपने पत्नी को मार दे उसको समझाया जा सकता। अभी हम आपको उस कमरे का नजारा दिखाएंगे। तीसरी फ्लोर पर उनका कमरा था
और कमरे का क्या हाल है। जो तस्वीर हमारे पास आई है वो बहुत ही आप देख नहीं सकते, ऐसी तो तस्वीर है, वो कमरा है। तो इस घटना ने सभी महिलाओं को यहाँ पर डरा कर रख दिया है, महिलाओं में डर का माहौल है और भी तमाम नीचे। ये जो सेकंड फ्लोर पर ये जो मकान में लोग रह रहे हैं, हमने उनसे बात करने की कोशिश की, वो लोग मना कर रहे हैं। और लोगों में इतना डर का माहौल है, लोग बात करने से डरे हुए हैं, बात नहीं कर पा रहे हैं हमसे। लेकिन जो हमने आपको कमरा का नज़ारा दिखाया वो बहुत ही दर्दनाक है। आप समझ सकते हैं एक जिंदा व्यक्ति को अगर गला काट कर मारा जाए तो उसकी क्या स्थिति होगी। मोहल्ले में इस प्रकार की घटना सामने आई है, इस पर लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा है? कहीं ना कहीं लोगों में डर का माहौल हो रहा, डर का माहौल बच्चों को जब ये पता चला होगा। छोटे बच्चे सब देखे कहाँ, लाश को सबको देख नहीं पाया, जो सबको पैक करके लेके चला दिया। आप सब लोगों को कितने बजे सुबह ये मालूम चला? हमको करीब 8-7 बजे, 7:30-8 बजे। और घटना निकल कर ये भी सामने आएगी 5:30 बजे या 4 बजे के करीब इस घटने को अंजाम दिया गया है। मकान मालिक के अनुसार तो मकान मालिक को 4 बजे फोन किया गया था। 4 बजे मतलब उससे पहले ही, उसके पहले ही काम निपटा दिया गया। एक बात बताइए, इलाके में क्या महिलाएं सुरक्षित नहीं है? सुरक्षित कैसे रह सकती है जब ये हादसे हो रहे हैं और दुनिया में सुनने न्यूज में बार बार आ रही है बातें, तो हादसे कहाँ होंगे? हादसे रुकावट कहाँ कर रही है? कानून गवर्नमेंट कर ही नहीं रही है ऐसे रुकावट। लेकिन एक बात बताइए, गवर्नमेंट रुकावट कैसे करेगी? अगर रात को एक पति ने अपनी पत्नी का गला काट दिया, इसमें कोई भी सरकार, कोई पुलिस प्रशासन क्या करेगी? कानून बनाना चाहिए ना। लबाड़ है, इसे क्या पता है हम लोगों को। एक 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 बुजुर्ग लेडीज रहती थी, वो भी पता नहीं, बोल रही है मैं माँ नहीं हूँ, हमको माँ बना करके लाया गया है। अब क्या सही है क्या गलत है वही लोग ने जानेगा। नहीं आ रहे थे ये लोग, हम लोगों ने पहले नहीं देखा था इन लोगों को। कितने समय से रह रहे थे? ये 15-20 दिन से रह रहे शायद। 15-20 दिन से पहले नहीं देखा उनको? नहीं, कभी नहीं देखा। जो अभी कह रहे थे कि एक बूढ़ी औरत थी और वो माँ बनकर आई थी, वो माँ थी नहीं, क्या कुछ इसके बारे में बताया आपको? नहीं, हमने तो नहीं देखा उनको, वो नॉलेज नहीं हमारे को, इस बार नॉलेज नहीं है। देखो, रानी और अशोक की कहानी अगर आप तक पहुँच रही है, इसको शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आजकल कोई भी किसी से सुरक्षित नहीं है। हम जो डर का माहौल पैदा हो रहा है, आए दिन देश में भी ऐसी खबरें आती है, हत्याकांड होता है, लोग एक दूसरे को मार देते हैं बड़ी आसानी से थोड़ा सा विवाद होने पर। यहाँ तो ये भी खबरें सामने आती है कि गाली देने पर भी एक दूसरे को मार दिया जाता है। अगर ऐसी खबरें आप तक आए तो इसको शेयर कीजिए और अवेयर जरूर रहिए, क्योंकि आजकल कोई किसी का अपना नहीं है। नमस्कार, फिलहाल के लिए इस खबर पर इतना ही। आप देख रहे हैं झलको दिल्ली, कैमरामैन नरेश के साथ मैं शमी रंजन। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।